अगर कोई हमसे आपसे पूछे कि आपकी ये श्वास कब से है, तो आप कहोगे जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। और ये पूछो कि भाई आप कब से हो, बोले जब से श्वास है तब से हम हैं, जिस दिन श्वास नहीं रहेगी हम नहीं रहेंगे। तो हम और हमारी श्वास का जो संबंध है, जब से हम तब से हमारी श्वास और जब से हमारी श्वास तब से हम, और दोनों अलग नहीं हो सकते। अलग होने पर न श्वास रहेगा न श्वास लेने वाला रहेगा। तो उसी प्रकार ये चारों वेद परमात्मा का श्वास है। और परमात्मा, बोले परमात्मा अनादि है, भगवान अनादि है, ये चारों वेद भी अनादि है, इसका कोई रचयिता नहीं है। इसीलिए धर्म में परम प्रमाण माने जाते हैं। वेद को धर्म में परम प्रमाण क्यों माना? वेद को धर्म में परम प्रमाण इसीलिए माना कि वेद में कोई दोष नहीं। क्योंकि दोष तब आता है किसी वस्तु में जब उसकी कोई रचना करता है, क्योंकि रचनाकार के दोष उसकी रचना में व्याप्त हो जाते हैं। आप कोई चीज बनाओगे तो आपकी उस चीज में जो कमी होगी वो कमी आपके कारण होगी। क्यों? बोले आप में कमी है इसलिए आपके निर्माण में कमी है। तो वेद का अगर कोई निर्माण करेगा तो कर्तागत जो कमियां हैं वो वेद में भी व्याप्त हो जाएंगी। और वेद किसी की रचना नहीं है इसलिए वेद निर्दोष है, वेद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और धर्म में परम प्रमाण है। इसीलिए वेद को धर्म में परम प्रमाण माना जाता है। धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति ही, धर्म की जिज्ञासा होने पर श्रुति ही परम प्रमाण है। मनुष्य की रचना में तो कमियां भी हो सकती है। क्यों? बोले मनुष्य के अंदर जो कमियां हैं, कर्णापाटो, विप्रलिप्सा, स्वार्थ, ये सब कुछ उसकी रचना में व्याप्त हो जाए। इसीलिए वेद सर्वोपरि है और अनादि है। तो उन वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को प्रदान कर दिया। फिर ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दिया, फिर उन्होंने अपने पुत्रों को, ये परंपरा से आज भी वेद का ज्ञान सुरक्षित है। इसी प्रसंग में वर्णन है कि भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान प्रदान किया। इसको मूल भागवत कहते हैं, चतुश्लोकी भागवत। चार श्लोकों में भागवत तत्व का ज्ञान ब्रह्मा जी ने भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। भगवान ने कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। हे ब्रह्मा, जो परम गुह्य ज्ञान है वो मैं तुमको दे रहा हूं, रहस्यों के सहित, अंगों के सहित, इसे तुम ग्रहण करो। पहला श्लोक तो भूमिका में है। दूसरा श्लोक भगवान कहते हैं, यावान अहम यथाभावो यद्रूप गुण कर्म का, मैं जैसा हूं, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो गुण है, मेरे जो कर्म है, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। मेरे स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, मेरे स्वरूप का, मेरे कर्म का यथार्थ ज्ञान तुमको मेरे अनुग्रह से प्राप्त हो। और फिर तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मन, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत् परम। ये सृष्टि जब नहीं थी तब भी मैं ही था, ये सृष्टि जब बन जाती है तब भी मैं ही रहता हूं इस सृष्टि के रूप में। पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि अहम्। इस सृष्टि के न रहने पर, सब कुछ समाप्त हो जाने पर, यहां तक कि हे ब्रह्मा तुम्हारे भी समाप्त हो जाने के बाद जो बचता है वो मैं हूं। ये भगवान कह करके मानो ब्रह्मा को बताना चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही, और वास्तव में भगवान ही नित्य है, बाकी सब कुछ अनित्य है। और भगवान के कारण ही, भगवान की सत्ता के कारण ही ये माया जो असत है यह भी सत्य के समान प्रतीत होती है। असत वस्तुओं के अंदर भी जो सत्यता प्रतीत होती है वो भगवान का ही अंश है, उन्हीं का प्रभाव है। ये सब कहते हुए भगवान ने कहा, तुम्हें केवल इतना जानना है कि कारण मैं ही हूं। किस प्रकार से? बोले जैसे सोने की अंगूठी होती है, सोने की अंगूठी, जब अंगूठी नहीं थी तब क्या था? बोले तब सोना था। फिर वही सोना अंगूठी बन गया, अंगूठी बनने के बाद भी वो सोना ही तो था, अंगूठी तो एक कल्पना थी, एक आकार था। और जब अंगूठी टूट गई तब क्या बचा? बोले फिर सोना ही बचा। पहले भी सोना था, उस रूप में भी सोना ही था,
और जब वो नहीं रहा तब भी सोना था, तो बीच में कौन आया? बोले अंगूठी, वो भी काल्पनिक थी। उसी प्रकार से भगवान ही मूल रूप से कारण हैं और सृष्टि के रूप में वही प्रकट होते हैं, तब भी वही रहते हैं, और जब ये सृष्टि नहीं रहती तब भी भगवान ही रहते हैं। भगवान कहते हैं अगर इस बात को तुम ठीक ठीक समझ लोगे तो कभी मेरी माया में आबद्ध नहीं होगी। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हचित्। ये सब कुछ रचना करने के बाद भी तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे। ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के प्रारंभ में क्यों दिया? क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है, और सृष्टि करके ब्रह्मा जी कहीं अपनी सृष्टि में खुद मोहित न हो जाएं, इसलिए भगवान ने पहले ही उनको ज्ञान प्रदान कर दिया। देखो, हम आप भी सृष्टि करते हैं, अपने अपने अंश और स्तर की दृष्टि से हर व्यक्ति सृष्टि करता है। हम आप भी सृष्टि करते हैं, संतानों को पैदा करते हैं, घर मकान बनाते हैं, घर गृहस्थी सजाते हैं, तो सृष्टि को फैलाते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? बोले उसी के मोह में हम फंस जाते हैं। सृष्टि बनाओ, सृष्टि बढ़ाओ, लेकिन उसके मोह में मत पड़ो। इसीलिए ब्रह्मा जी को पहले ही भगवान ने ज्ञान दे दिया। क्यों? बोले ब्रह्मा जी तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाएंगे, सब नाती पोता उन्हीं के होंगे, कहीं ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि हमारा नाती मर गया, आज तो पनाती मर गया, तो आज तो ये मर गया, तब तो ब्रह्मा जी रोते ही रह जाएंगे चारों मुंह लेकर। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि क्या करेंगे, इनको अज्ञान हो जाएगा। इसलिए पहले ही भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान कर दिया। इसका मतलब कि हम आप भी संसार में सृष्टि को बढ़ावें, उसके पहले अपने ज्ञान को दृढ़ कर लें। ज्ञान दृढ़ हो जाएगा तो सृष्टि बढ़ाने पर भी हम कहीं मोह में नहीं फंसेंगे। ये सूत्र